इंस्टाग्राम को चलाना है तो आपके ऊपर चला सकते हैं, पर अगर अकाउंट डीएक्टिवेट करना है तो पहले वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, तब जाकर हम डीएक्टिवेट कर पाएंगे। जोमैटो पे अगर खाना ऑर्डर करना है तो शुरुआत में तो खाने का प्राइस दिखाएगा, पर जस्ट पेमेंट से पहले हमारे टैक्सेस दिखाने लगेगा, डिलीवरी चार्जेस ऐड कर देगा। उसके साथ साथ हम यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब बार बार पूछते हैं कि आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना है, पर उसके लिए सिंपल से येस या नो के ऑप्शन नहीं देगा। या तो बोलेगा एक महीने का फ्री ट्रायल ले लो, या फिर बोलेगा स्किप ट्रायल। स्किप ट्रायल से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्किप ट्रायल करके क्या डायरेक्टली हमने प्रीमियम खरीद लिया है क्या। इस चीज को टेक्निकल टर्म्स में डार्क पैटर्न्स कहते हैं, यानी कंपनी कुछ ऐसी ट्रिक खेलती है, इस तरीके से अपनी ऐप और वेबसाइट को डिजाइन करती है कि यूजर को उसका कोई प्रोडक्ट खरीदना पड़ जाता है या खरीदे हुए प्रोडक्ट पर वो अनसब्सक्राइब नहीं कर पाता। इसीलिए ऐप्स और वेबसाइट्स के ऊपर सब्सक्राइब तो जल्दी से हो जाता है, पर अनसब्सक्राइब करने के लिए हमें इधर उधर लॉग इन करना पड़ता है, बहुत सारे पेजेस के थ्रू जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम उस प्रोडक्ट को ज्यादा लंबे टाइम तक यूज करते रहते हैं। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं और मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए डिफरेंट ऐप्स एंड वेबसाइट्स के थ्रू। आपने कौन से डार्क पैटर्न्स ऑब्जर्व किए उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।